एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद दिव्यांगना। सो गाइस, अगर आप लोग भी DSSSB की तैयारी करने का सोच रहे हैं या फिर आपने अगर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया है तो आपको इन तीन गलतियों से बचना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, हम लोग क्या करते हैं जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, नॉट ओनली DSSSB, इसके अलावा जो भी कोई कॉम्पिटिटिव हमारे एग्जाम्स होते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है कि भाई किसी भी एग्जाम को लेके उसका सिलेबस अच्छे से नोट डाउन करना, उसको देखना, उसको गो थ्रू करना कि क्या सिलेबस है एग्जैक्टली, क्या नहीं है। क्योंकि जब तक आपके पास सिलेबस नहीं होगा तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि हमको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितने वेटेज के हैं, क्या है, ठीक है। तो देखो, अब हम जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, सबसे बड़ी क्या गलती करते हैं, हम कोई भी, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, गूगल सर्च करेंगे, और गूगल सर्च करने के बाद हमको बहुत सारी अलग अलग साइट्स दिख जाती हैं, ठीक है। उस पे से हम किसी को भी ओपन करते हैं, मान लीजिए फर्स्ट में दिख गया DSSSB सिलेबस, ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, हम उसको समझते हैं यार यही अपना सिलेबस है, और जाके हम वही सेम सिलेबस उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेते हैं और अंदर ही अंदर बड़े खुश होते हैं कि भाई हमारे पास सारा सिलेबस है, ठीक है। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। पहली बात देखो, मैंने भी DSSSB का बहुत सारी जगह अलग अलग सिलेबस देखा बट कंप्लीट सिलेबस मुझे नहीं मिला, कहीं से कुछ चीज़ मिसिंग थी, कहीं से कोई सा टॉपिक मिसिंग था। इसलिए आप लोग इस तरह की गलती को नहीं करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्रॉस चेक करना है, ठीक है, जो भी आपकी ऑथेंटिक साइट्स होती हैं, एवं किसी भी एरी गैरी साइट से आपको अपना सिलेबस नोट डाउन नहीं करना है। या तो जाइए सीधा डेली वाली पे देखिए, अगर उन्होंने नहीं दिया है तो फिर जो भी आपकी ऑथेंटिक साइट्स होती हैं या कुछ ऑथेंटिक चैनल्स होते हैं उन्हीं के थ्रू आप लोग अपना सिलेबस को नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और एक और देखो सबसे बड़ी चीज़ है, जब मैंने भी अपना सिलेबस सारा लिखा तो बाद में मैं क्या देख रही थी, जब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखे तो वहाँ से मुझे पता चला कि भैया ये वाला टॉपिक तो हिंदी में है ही नहीं, जबकि हिंदी से कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो आए हुए थे और जो मैंने साइट से सिलेबस नोट करा उसमें वो टॉपिक थे ही नहीं। सिमिलरली रीजनिंग में भी यही हाल था, मैथ्स में भी यही हाल था। इसीलिए मेरा फर्ज था कि मैं आपको इस चीज़ को एक बार बता दूँ, क्योंकि एंड में क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो फिर हमारे दिमाग में आता है अरे यार ये टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये तो सिलेबस में ही नहीं था। सो इस तरह की गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। पहली चीज़, यानी कि सिलेबस अगर आप लिखते भी हो तो 2-3 साइट से क्रॉस चेक कर लीजिए, ठीक है। जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं उनसे सबसे पहले क्रॉस चेक कीजिए कि जो जो क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आए हैं क्या वो टॉपिक्स आपके सिलेबस के अंदर नोट डाउन है या नहीं है, पहली चीज़। अब दूसरा आपको क्या करना होता है कि भाई अपने सारे सिलेबस को एक ऐसे करके ना पेपर पे, ठीक है, A4 साइज पेपर पे नोट कर लीजिए। मैं फिर से बोल रही हूँ कि केवल मैं DSSSB की ही बात नहीं कर रही, इसके अलावा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स में बैठते हो, किसी भी चीज़ का, नॉट ओनली गवर्नमेंट, तो आपका सबसे पहले कर्तव्य होना चाहिए कि आपको अपना पूरा सिलेबस एक जगह नोट डाउन करना है, ठीक है, और अपनी खुद की हैंड राइटिंग में। आपको आपका सिलेबस लर्न होना चाहिए कि हिंदी में ये टॉपिक्स आते हैं, मैथ्स में ये आते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, पहली चीज़। अब दूसरा हम बात करेंगे, जब आपका सारा सिलेबस नोट डाउन हो जाता है इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, सीधा उठाते हैं बुक्स की, भैया सिलेबस लिख गया, अच्छा हिंदी में ये आ रहा है समास, चलो बुक उठाई और समास पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसी गलती नहीं करनी है। आपने अपना सिलेबस नोट डाउन कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक बढ़िया सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक परचेज कर लेनी है, ठीक है। या तो बुक को परचेज कर लीजिए या फिर अगर आपके पास ऑनलाइन है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं तो आप लोग वहां से भी उसको एक बार देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना है, सिलेबस को अच्छे से नोट करना है, ठीक है, और उस सिलेबस को अपनी जो आपकी टेबल है, जो आपकी स्टडी टेबल है, वहां पे उसको नोट डाउन, ठीक है, उसको आप या तो पेस्ट कर लीजिए वॉल पे या उसको हमेशा अपने इन फ्रंट ऑफ आईज रखिएगा। उसके बाद आपकी नज़र आपको सिलेबस पे होनी चाहिए कि भैया ये सिलेबस है। उसके बाद आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, एक अच्छी सी बुक ले लीजिए किसी बढ़िया से ऑथर की, ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कौन सी अच्छी सी बुक है मार्केट में। तो इस हिसाब से आप लोग एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की बुक लीजिए, अदरवाइज ऑनलाइन। तो सबसे पहले आपका काम होना है, आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हो, सपोज आज आप हिंदी को स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले देखो कि किस तरीके से उस एग्जाम में, चाहे फिलहाल अगर मैं बात करती हूँ DSSSB की, तो सबसे पहले देखो भैया कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हैं। पहले क्वेश्चंस को गो थ्रू कीजिए, एक बार अच्छे से उनको देखिए कि अगर समास टॉपिक आ रहा है तो समास में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, लास्ट ईयर में, उससे लास्ट ईयर में और पहले ईयर्स में। इसी तरीके से आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले आपका कर्तव्य होना चाहिए, आपका फर्ज होना चाहिए कि आप लोग क्या करेंगे कि भैया जिस भी सब्जेक्ट को आप लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं उसके एक बार आप सारे टॉपिक्स को गो थ्रू कीजिए, सारे
क्वेश्चंस को आप लोग देखिए कि अच्छा अगर मैथ्स में सपोज कीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आप लोग पढ़ते हैं, तो देखो किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेवल क्या है एग्जाम्स का, ये सब चीजें आपको कहां से पता चलती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं PYQ। ठीक है, तो दूसरा काम आपका होना चाहिए सबसे पहला सिलेबस, दूसरा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को पूरा का पूरा गो थ्रू करना, एक बार उसको पढ़ लो देख लो। उसके बाद तीसरा आपका काम होना चाहिए कि अब आप अपनी बुक्स को उठाएंगे, जो भी आपके पास ऑथेंटिक बुक्स हैं उनको आप लोग लेंगे और उसके बाद आप लोग अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। आपके पास जो सोर्स होना चाहिए वो बहुत लिमिटेड सोर्स होना चाहिए, ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट की आप चार पांच पांच बुक्स को पढ़ जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसमें आपको पढ़ने से ज़्यादा मल्टीपल रिविजन्स पे आपको यहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, पढ़ेंगे सब, लेकिन वही बात आती है घूम फिर के कि जब तक हम उसको रिवाइज नहीं करेंगे आपका क्लियर नहीं होने वाला है, इसलिए मल्टीपल रिविजन्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अपना रिविजन करते रहेंगे साथ के साथ, जिस भी टॉपिक को पढ़ेंगे उसका नेक्स्ट रिविजन कर लो या सोने से पहले कर लो। ठीक है, तो वो जिस भी तरीके से आप लोगों को सही लगे। इसके बाद एक चीज का और ध्यान रखना, जो स्टूडेंट्स गाइड के पीछे भागते हैं कि मार्केट में ये वाली गाइड आ रही है, और होता है ना कि मार्केट में एक गाइड मतलब पूरी निकाल देते हैं और उस गाइड में क्या होता है सारे सब्जेक्ट्स दे देते हैं कि जितने सब्जेक्ट्स आ रहे हैं पांचों के पांचों इस गाइड में पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। गाइड पढ़ के कभी किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर आपको रियल में सिलेक्शन चाहिए तो आपको A to Z सारा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, अभी तो टाइम निकला भी नहीं है, अभी तो फॉर्म भी नहीं आए हैं, सो जिससे पहले आपके फॉर्म आ जाएं, ठीक है, वैसे तो अप्रैल में चांसेस हैं कि आने वाले हैं, बट स्टिल आप लोग अपना ये जो कुछ कुछ चीज़ें हैं ना इन पे अच्छे से फोकस कर लीजिए, अपने एक बार प्रीवियस पेपर अपने एक बार अच्छे से पढ़ के देख लीजिए, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ताकि आपका जैसे ही फॉर्म आ जाए आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। ठीक है, तो इस केस में आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, किसी भी गाइड के भरोसे मत रहना। अगेन आई एम सेइंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोग बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं, ठीक है, कि हम लोग गाइड खरीद लेंगे मार्केट से और क्योंकि हमें तो मेहनत तो हमें कम करनी पड़ेगी, अच्छा सिंपल सी गाइड है यार चलो इस गाइड को पढ़ लेते हैं हो गया काम, ऐसे नहीं होना है। आपके पास इतना टाइम है कि आपको गाइड की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए, गाइड तो लेना भी मत। अगर आपको वास्तव में एग्जाम निकालना है तो आपको ऑथेंटिक बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको A to Z पूरी डीप तरीके से आपको अपनी स्टडी करनी पड़ेगी तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। गाइड पढ़ के कभी किसी का सिलेक्शन नहीं होता, इसलिए गाइड वगैरह के पीछे नहीं भागेंगे। मार्केट में बहुत सारे होते हैं, अपने फंडे होते हैं सबके, इसलिए गाइड एंड ऑल आप लोग मत लीजिएगा। ठीक है, तो ये तीन चार बातों का आपको बेसिकली ध्यान रखना है। इसके बाद अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ एक डीप ब्रेथ लेके आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए क्योंकि जैसी एग्जाम आए आप लोग फर्स्ट बार में ही D SSS को क्रैक कर दें। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी एनी बट हाउ कुछ नहीं होना चाहिए, बस सीधी सी बात है, तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट आता है तो आप बेझिझक होके कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखना। ठीक है, मैं भी अपने टाइम से वक्त निकाल के आप लोगों के लिए वीडियोस एक दो बनाती रहूँगी, और जैसा भी आपको प्रॉब्लम हो कोई क्वेरी हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।